हकीम सिद्दीकी का नाम सुना आपने? सुना ना, जिनको यूपी की पुलिस ने एटीएस ने गिरफ्तार किया। अब हमको पिछले तीन दिन से रोज कोई ना कोई एसएमएस करता है, व्हाट्सएप करता है, फोन करके पूछता है, ओएसी साहब कब बोलेंगे, मौलाना कलीम के बारे में कब बोलेंगे आप। तो हमने एक दो तीन से पूछा जो गुजरात से हमको फोन किए थे, हमने पूछा बताओ तुम तो दो तीन फोन हमको कर दिए, ये बताओ तुम कौन सी पार्टी के हो। दोस्त ने जल्दी में था, हमने पूछा डर रहे हो क्या अपना पार्टी का नाम लेने के लिए, तो बोला डरते नहीं हम, कांग्रेस पार्टी के हैं। तो हमने पूछा बताओ तुम्हारे राहुल ने कुछ कहा मौलाना के बारे में, तो बोले वो क्यों बोले, बोला क्यों नहीं बोलेंगे, बोले आप है ना, बोला फिर वो तुम्हारे वोट के हकदार और मैं सिर्फ बोलने के लिए। बोला मैंने कहा कि पहले उनसे कहो बोलने के लिए। फिर उत्तर प्रदेश से समाजवादी के लोग हमारे पास फोन में ट्रू कॉलर है, जब नंबर बजता है तो नाम के साथ आता एसपी का नेता आता है। आया हमको फोन, कहा कि आप कब बोलेंगे, मैं बोला तुम किस कौन सी पार्टी के नेता हो, बोले आपको कैसे पता चल गया, हमने कहा ट्रू कॉलर है। मैंने कहा मैं बोला नहीं बोला, अलग बात है, बोलो ये बताओ कि अखिलेश बोले, तो सन्नाटा था दूसरी तरफ लाइन पर। मैंने कहा अखिलेश क्यों नहीं बोले, बोले ना। फिर वो फोन कट कर दिए, फिर मिलाए, हम फिर फोन उठाए, हम समझ गए कि इसके दिल पे दस्तक हो रही है अभी। हम बोले बताओ अब क्या बोलेंगे, तो उसने हमको कहा कि ओएसी भाई हम दिल से आपको चाहते हैं, हम दिल से इज्जत करते हैं, मगर क्या करें वोट हम आपको नहीं देते, मगर हमको उम्मीद तो आपसे ही है। मैंने कहा उम्मीद जरूर मुझसे रखो, बल्कि अल्लाह से ज्यादा रखो, मगर ये बताओ कि इस मसले में अखिलेश क्यों नहीं बोलेंगे। तो समाजवादी पार्टी का नेता हमसे कहा, नाम नहीं कह रहा हूं वरना बेचारे कल पार्टी से निकाल देंगे। उसने कहा अगर अखिलेश बोलेंगे तो उनको दूसरा आउट नहीं मिलेगा। हमने कहा दूसरा आउट किसका, वो दूसरे का नाम क्या है, इंसान।